बिजली विभाग की मनमानी से गांव के लोग कितने परेशान हैं उसे आप यहां सुन और समझ सकते हैं। यह मामला शेखपुरा ज़िले के बरबीघा प्रखंड अंतर्गत केवटी पंचायत के डीह मकनपुर गांव का है। यहां पर एक फ्रेंचाइजी युवक के द्वारा गांव वालों से पैसे लेकर भी बिल जमा नहीं किए जाते हैं। यह आरोप मैं नहीं गाँव के लोग ही लगा रहे हैं। भोले भाले और गरीब गांव के लोग बिजली बिल के लगातार आने से काफ़ी परेशान हैं। किसी को 4,000 तो किसी को 5,000 बिल आ रहा है। गांव वाले की माने तो बिजली का बिल जमा देने के बाद भी फिर से वही बिजली बिल आ जाता है, जिससे लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप भी गांव के लोग लगा रहे हैं। गाँव में बिजली बिल को लेकर परेशान लोगों ने गुहार लगाई है और अधिकारियों से इसके जांच की मांग की है। 6,500 रुपया हम जमा कर चुके हैं, जो हमारा बिल बाकी था वो 6,500 रुपया का 6,500 रुपया फिर आ गया। बिल कैसे आया, जमा नहीं करता है। हम लोग नोच करके गरीब आदमी है, पेट काट करके हम रखे थे, उतना जमा किए हैं, लेकिन फिर भी आ गया बिल उतना। बोलिए चाचा, गरीब लोग को पूरा तबाह करके रखी से, वहाँ से बिजली विभाग से कुछ आता है और ये बिल बना के कुछ भेजता है, ये सब तो गलत बात है। और दूसरी बात है कि आप जो समस्या गांव वाले को पूरा तबाह करके रखा, कौन ऐसा आदमी घर में केस नहीं दिया। बोलिए चाचा, क्या सही बात है? हाँ, सही बात नहीं। इस तरह से किया जाता है ना, गांव के फ्रेंचाइजी के द्वारा पैसा देते हैं, जमा नहीं करता है, नहीं करता, गलत रीडिंग किया जाता है। बोलिए आप लोग, चाची आप लोग, सही बात है? गलत किया जाता है? नहीं जी, गलत किया, पैसा बहुत ज्यादा आता है। 5,300 तो अभी जमा कर लिया, फिर कल 160 का लोड फिर आ गए। फिर भी इस तरह से मैंने मौखिक बिल तैयार करके 5,300 जमा कर लिया, फिर कल 160 हाई हो गए। बिल का पैसा आप लोग मीटर बैठाने के पैसा नहीं दीजिएगा, ये लोग 4,500 रुपया लेता अभी।